अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी घोरी गार्डन मार्केट, और अभी स्टार्ट में आपने देखा होगा बैंक दुबई इस्लामिक जो आपको नज़र आया है, उस वहाँ तक पहुँचते हुए आप जब लेफ्ट राइट होंगे तो राइट साइड से ही सारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ये लगा हुआ है संडे बाज़ार, और इतवार के दिन इतना रश नहीं होता अमूमन, और कुछ स्टॉल्स एक्स्ट्रा भी लग जाते हैं और कुछ स्टॉल्स आपको कुछ शॉप्स बंद नज़र आती हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी ज़िंदगी के लिए, आपको जो भी चाहिए, आप अपने लिए जो भी लेना चाहते हैं, बच्चों के कपड़ों से लेके, टॉयज से लेके, औजार टूल्स जो होते हैं वो देख लें, टी शर्ट्स देख लें, प्लास्टिक वेयर्स देख लें, आपको हर चीज़ इस मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है, अगर हम सदर से टूवर्ड्स टावर जाएँ तो वहाँ उसके रास्ते में ये बैंक दुबई इस्लामिक आएगा, वहाँ से आप हो जाएंगे राइट, और वहाँ से ये पूरी मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। अंदर ही अंदर आपको देखेंगे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखें बल्ब नज़र आ रहे हैं, ये आपको सोलर वाले बल्ब भी मिल जाएंगे यहाँ से ही। जूते आप लेना चाहें, हर तरह की वैरायटी बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। ये आपको सारी प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाएंगी, शॉपर्स हैं, प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं, और ये कार्टन्स, जिस किसी को भी कार्टन की ज़रूरत हो, अगर आप अपने घरों में कोई सामान पैक करना है, कोई चीज़ है, तो वो यहाँ से हर साइज़ का कार्टन ले सकता है। फिर उस तरह से यहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं डेली वेयर की, वो आपको आराम से मिल सकती हैं। शूज़ की थोड़ी बहुत वैरायटी खुली हुई थी क्योंकि संडे था, ज़्यादातर चीज़ें बंद थी। ये एक ऐसा स्टॉल मैंने डिस्कवर किया वहाँ पे, जहाँ पे एक बाबा जी जो हैं वो सेल कर रहे थे, सारी बुक्स थी बच्चों की, और ये इतनी अच्छी बुक्स थी, 160 में 150 में ये बुक्स थी, जो मेरे हाथ में भी बुक है ये 150 की बुक थी, और ये इतनी बच्चों के लिहाज से पायदार थी कि कोई हद नहीं है। फिर इसी तरह से ये मैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैट्स 200 में थे, ये वाली छोटी बुक्स बच्चों की जो लर्निंग वाली हैं ये 150 की थी, और ये सारी बच्चों के लिए अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं कलरिंग के हिसाब से, ये 60-60 की बुक्स थी, ये वाली कलरिंग वाली भी 60-50 की, 40 की भी बुक्स थी। और ये कार्ड्स देख लें आप, इस तरह के जो छोटे छोटे कार्ड्स हैं बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सारे हो सकते हैं। ये वाला मैट है, ये 200 का वो मैट दे रहे थे, और जिससे बड़े वाला था वो 350 का मैट था। तो ये बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में बच्चों के लिए जो है वो बड़ा अच्छा, आप यहाँ से इनसे चीज़ें लेके जा सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से और जो छोटी छोटी चीज़ें थी, कलरिंग बुक्स आप बार दिखा रही हूँ मैं आपको, कि ये देखें आप, इसमें ABC आपने कलर करनी हो बच्चों ने, तो वो हर तरह से कलर कर सकते हैं। 40 रुपीज़ की ये सिर्फ बुक थी। इर्द गिर्द देखें तो सारी डिफरेंट इस तरह ही मार्केट आ रही है। फिर उसके बाद दोबारा ये शूज़ आ गए सामने पे, आपको बॉडी स्प्रेज और ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी यहाँ पे, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर्स जो होते हैं वो मिल जाएंगे, ये ज्वेलरी आइटम्स हैं, और ये 150 में आपको सारी बड़ी रीज़नेबल चीज़ें दे रहे थे। ये आप शैम्पूज़ की पूरी की पूरी वो स्टॉल देख सकते हैं शैम्पूज़ का। यहाँ पे ये सारे के सारे बर्तन धोने वाले साबुन जो होते हैं, जिसमें आप लेमन मैक्स और ये सारे वो सारे अवेलेबल थे। ओवरसीज़ थोड़े से नाम मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन लोकल यूज़ के लिए, घरों के अंदर यूज़ के लिए बड़े ईजी रह जाते हैं। टिशू पेपर्स लेना चाहें आप ओपन, वो बहुत ईजीली अच्छे तरीके से वो बड़े अच्छे मिल जाते हैं। फिर ये वाली साइड आ जाती है, इस तरह आप आगे से आगे चलते जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये टॉयज़ की शॉप खुली हुई थी वहाँ पे, इसमें भी बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस में टॉयज़ अवेलेबल थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं ना, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ चाहिए वो इस मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वीकडेज में जाते हैं तो बहुत रश भी होता है, और सारी चीज़ें, सारी दुकानें जो है ना वो खुली हुई मिलती हैं आपको। संडे को कुछ स्टॉल्स लगते हैं और कुछ नहीं लगते। ये शॉपर वाली जगह आ गई है, यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की शॉपर, रैपिंग शीट, कुछ भी चाहिए ना वो आपको इस स्टॉल से मिल जाएगा। ये टूल्स वाली जगह आ गई है, यहाँ पे आपको हर तरह का टूल मिल जाएगा जैसा आप चाह रहे हो। ये सारे के सारे जो हैं चीज़ें इस तरह की छोटी छोटी आपको मिलेंगी, गैजेट्स मिल सकते हैं आपको, प्लास्टिक वेयर्स मिल सकते हैं इस तरह के। ये देख लेंगे सारे के सारे टूल्स वाले स्टॉल दोबारा आ रहे हैं। फिर ये ऊपर खुला पाउडर दे रहे थे, ये खुला भी ले लेंगे, टाइड की फॉर्म में भी दे रहे हैं, ब्लीच भी दे रहे हैं, ये सारे इस तरह की चीज़ें भी मिल सकती हैं। फिर ये खजूरों का पूरा स्टॉल आ गया। उसके बाद इस तरह से ये रस्सी वाली एक दो स्टॉल्स मिलेंगे आपको, और अब ये बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गई, ये लोकल मेड होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप लेना चाहें तो ये आराम से चॉकलेट्स, और ये प्रॉपर किलो में काट के देते हैं, जो चॉकलेट का स्टॉल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर खजूरों का स्टॉल आ गया, ये सारा प्लास्टिक वेयर आ गया।
ये सारी की सारी तरपालें आपको मिल जाएंगी, जिस तरह की मर्जी आप ले लें, ग्रीन वाला कपड़ा ले लें। और ये पूरे बैग्स बनाते हैं, इसमें बाइक्स के बैग्स भी मिलते हैं आपको हर तरह का। इस तरह आगे से आगे आप चलते जाएंगे ना इस बाज़ार में, तो ये सारी सारी इस तरह की चीज़ें मिलती जाएंगी आपको कि आप कुछ भी लेना चाहेंगे। सारी बॉटल्स हैं 100 की, 150 का पैक भी है इसमें, काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें भी हैं। सारे बॉक्सेस भी इस तरह 200 के 3 मिल रहे हैं आपको, तो बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ये आपको छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको घर में चाहिए होती हैं। और हम ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ से शॉपर्स मिल सकते हैं, कहाँ से हमें कार्टन मिल सकते हैं, कहाँ से तरपाल मिलेगी, कहाँ से रस्सी मिलेगी। तो आपने कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो देखें और खोरी गार्डन मार्केट जो है वहाँ पहुँच जाएँ। वीकडे में पहुँचेंगे तो आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, और वीकेंड पे यानी संडे को अगर आप जाते हैं तो उसमें ये सिर्फ थोड़ा सा होता है कि कुछ शॉप्स बंद होती हैं, आप देख रहे हैं रश भी फिर उस हिसाब से कम होता है। लेकिन अगर आप जब मर्जी आप जा सकते हैं, संडे को भी ये मार्केट ओपन होती है। ये संडे की ही वीडियो बनी हुई है, संडे वाले दिन ये सारी दुकानें आपको खुली हुई नज़र आएंगी। अगर दुकानें बंद होंगी तो आगे जो है वो स्टॉल्स लगे हुए होंगे, तो मोस्टली एक जैसी वैरायटी भी हो जाती है काफ़ी दफ़ा कि अगर आपको काफ़ी टूल्स हैं तो टूल्स की बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे। इस तरह से शैम्पू वगैरह के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, टॉयज़ के भी मिल जाएंगे, तो हर तरह की चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा आपको कुछ और भी देखना हो, कोई और वीडियो देखना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हो, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।